Hello guys, welcome to my bean. And as you guys know that Bajrangi Bhaijaan ko National Awards mein Best Popular Film ka award mila hai. Kabir Khan is here with me and he will be talking about that and he will be sharing his experience about that. Hi. And firstly, let me just congratulate you. So how's the feeling, Kabir? Feeling is nice. I think National Awards ek aise awards hain jo aaj ke daur mein jab sare awards otherwise TV awards ban gaye hain. तो इसकी एक रेलेवेंस है, बहुत प्रेस्टिजियस है. ये मेरा सेकंड नेशनल अवार्ड है. मेरी पहली फिल्म काबुल एक्सप्रेस को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म. तो बहुत खुशी होती है. बजरंगी भाईजान एक ऐसी फिल्म है जो वैसे भी इस साल बहुत उसे प्यार मिला है. बॉक्स ऑफिस पे तो ऑफकोर्स नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर थे, और उसके साथ साथ अगर आपको नेशनल अवार्ड भी मिले तो आई थिंक सोने पे सुहागा है. बट क्या कबीर ने ऐसा सोचा था जब फिल्म बन रही थी, या फिर पूरी टीम ने सोचा था कि फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल सकता है? एक्चुअली सिर्फ नेशनल अवार्ड क्या, कोई भी अवार्ड आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि आपको मिलेगा. अगर अवार्ड मिले तो अच्छा है, लेकिन आई थिंक अवार्ड को हमें ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए ऑनेस्टली. जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर हमारे जो अवार्ड्स हैं वो टेलीविजन शोज़ बन गए हैं. नेशनल अवार्ड ही एक बचा है जिसमें थोड़ी सी एक है रेलेवेंस. लेकिन तब भी आई थिंक अगर अवार्ड मिले तो खुशी खुशी जाइए, लीजिए, मुस्कुराइए, अवार्ड लीजिए. और नहीं मिले तो बुरा नहीं लगना चाहिए. आई थिंक जस्ट गो अहेड एंड डू योर वर्क. रुहान इज सेइंग व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद एसआरके, एनी प्लान्स फॉर दैट? जी देखिए, शाहरुख एक्चुअली ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन शाहरुख एक मेरे पुराने दोस्त हैं. मैं उनको कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ. तो ज़रूर अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट होगा जो हम दोनों चाहें, जिसको जिससे हम दोनों एक्साइट हों, तो ज़रूर करेंगे. कौन नहीं काम करना चाहता शाहरुख के साथ? क्या सलमान से आपकी बात हुई या बाकी टीम मेम्बर से आपकी बात हुई? बिल्कुल सलमान से बात हुई. सलमान तो प्रोड्यूसर हैं बजरंगी भाईजान के, तो अवार्ड उनको भी मिला है. तो वो ज़्यादा अवार्ड में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये नेशनल अवार्ड है तो उन्होंने एक बहुत अच्छा लंबा एक मैसेज भेजा मुबारकबाद का. और मिलूंगा मैं उनसे कल परसों में, और फिर जब पूरी टीम एक साथ मिलेगी तब हम सेलिब्रेट करेंगे. ओके, सो जैसे काबुल एक्सप्रेस के लिए आपको फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला था, सेकंड इस फिल्म के लिए मिला है, बट लाइक क्या वो मेमोरीज जो है, मैं बोल सकती हूँ कि वो थोड़े रिफ्रेश आपके हो गए होंगे जब अनाउंसमेंट पहली बार हुई थी एंड देन अभी हुई है? ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ही पता ही नहीं था कब अनाउंस होते हैं नेशनल अवार्ड्स. मैं तो इनफैक्ट ट्रैवल कर रहा था टिल दिस वीकेंड, तो मुझे ये भी खबर नहीं थी कि नेशनल अवार्ड्स अनाउंस होने वाले. सुबह में फ़ोन आया, काबुल एक्सप्रेस के लिए भी ऐसे ही आया था, एक अचानक फ़ोन आया था और बोला कि कंग्रेचुलेशंस, आपको नेशनल अवार्ड मिला है. तो ये भी फिर उसके 5 मिनट बाद ऑफकोर्स फोन आने लगे और मैसेजेस आने लगे. दूसरी जो फिल्में हैं उनको भी अवार्ड्स मिले हैं, बाहुबली हो या फिर संजय लीला भंसाली हो, रेमो हो, सो उन सब में लाइक फिल्मों की अगर मैं बात करूँ तो आपने कौन कौन सी फिल्में देखी और आपकी सबसे फेवरेट वाली कौन सी? ऑनेस्टली मुझे लिस्ट पता नहीं है पूरी, बिकॉज आई बीन सो बिजी दिस होल डे. मुझे पता नहीं दूसरी फिल्में कौन सी हैं. जैसे आपने अगर बताया कि बाहुबली, ऑफकोर्स वेरी बाजीराव मस्तानी को मिला है, यू नो ऑफकोर्स इट्स ग्रेट फिल्म. दम लगा के हईशा के दोस्त हैं शरद कटारिया, उनको मैंने सुना है कि मिला है फिल्म, विच इज़ वेरी गुड. एंड ऑफकोर्स कंगना एंड मिस्टर बच्चन, वेरी वेल डिजर्विंग, आई थिंक एब्सोल्युटली सुपर परफॉर्मेंसेज दिस ईयर. सो ऑफकोर्स एज आई सेड, यू नो एनीबडी हू गेटिंग नेशनल अवार्ड्स इज वर्दी ऑफ इट. इट्स जस्ट एन अप्रिसिएशन ऑफ द वर्क दैट दे डन. बीइंग अ डायरेक्टर, क्या आप सारे जो जितने लोग देख रहे हैं उनको क्या आप बोलना चाहेंगे एक बात? एक्टर्स बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, ऑनेस्टली यू नो मैं बिल्कुल आउटसाइडर हूँ. मैं मेरे कोई कनेक्शन नहीं थे इस इंडस्ट्री में. मैं दिल्ली से आया था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था. आई थिंक एक सपना लेके आइए और उस सपने को फॉलो करिए. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी आएंगी, वैसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा हम कैसे करें क्या करें, लेकिन यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम एंड जस्ट कीप गोइंग फॉर इट, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इन बॉलीवुड. एंड अगर मैं बजरंगी भाईजान से आपसे कोई ऐसी 3 चीज़ें पूछूं जो कबीर की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, या फिर कोई एक ऐसा मोमेंट या सीन फिल्म का जब आप शूट कर रहे हो, वो अगर आप हमसे शेयर कर सकें यहाँ पे? बजरंगी भाईजान में ऑब्वियसली एज अ डायरेक्टर तो मेरे बहुत फेवरेट मोमेंट्स हैं, यू नो अपार्ट फ्रॉम सलमान्स कैरेक्टर हर्षाली इज वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच अ स्मॉल चाइल्ड, और जिसने इस किस्म का एक
बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, नवाजुद्दीन, करीना कपूर, ये मेरे बेहतरीन एक्टर्स हैं, इन सब के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और अगर लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आप कहेंगे शूटिंग में, आई वुड डेफिनेटली से हमारा जो कश्मीर का शेड्यूल था, कश्मीर में हमें बहुत मज़ा आया शूट करने में, बहुत अलग अलग डिफिकल्ट लोकेशंस में शूट किया, बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के शूट किया, और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि फिल्म में भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, कश्मीर का जो पोर्शन है फिल्म में वो एक बहुत इमोशनल पोर्शन है, तो वो एक दैट इज़ अ स्पेशल मेमोरी फॉर मी। कौन सी फिल्म है नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं कबीर की, और उस पर कितना काम चल रहा है अभी? अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है, मैं अभी ऑस्ट्रिया में था दो हफ्ते के लिए, मैं लिख रहा था अपनी स्क्रिप्ट। फिल्म ऑस्ट्रिया में सेट नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह थी, इसलिए मैं वहाँ अकेले जाके लिख रहा था, और आई थिंक अगले कुछ दो तीन हफ्तों में हम अनाउंस करेंगे कि हमारी नेक्स्ट कौन सी फिल्म। सो मतलब उसमें क्या सलमान होंगे? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, मतलब ये एक मिस्ट्री अगले हफ्ते तक खत्म हो जानी चाहिए। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग द बीम गाइज, बाय बाय।